वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 18 देख रहे हैं, क्लास 6 टू 8 कोहेरेंट वन ग्रुप 3 की, जिसके अंदर मैथ्स का एक क्वेश्चन दे रखा है। आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, समीर वॉज गोइंग टू हिज नानीज हाउस विद हिज फैमिली। हिज नानी लिव्स इन सोनीपत। On the way, they stopped at dhaba to have lunch. Samir saw the menu card. इसके अंदर बताया गया है कि समीर जो है नानी के घर जा रहा है और उसने बीच में ढाबे पे रुक के खाने के लिए एक मेन्यू कार्ड देखा। सो मेन्यू कार्ड का यहाँ पर रेट दे रखा है। जो पहला यहाँ पे कॉलम है वो डिशेस का है, वहाँ पे कौन कौन सी डिशेस थी। दूसरा जो कॉलम है उन डिशेस का फुल प्लेट रेट, मतलब अगर पूरी प्लेट लेता तो उसको कितने देने पड़ते हैं। ध्यान रखें, हाफ प्लेट का रेट उससे डिफरेंट है, बिल्कुल हाफ नहीं है। दाल फ्राई जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 50 रुपीज की फुल प्लेट है और हाफ प्लेट जो है वो सिर्फ 30 रुपीज की है। तो हाफ होता तो 25 होती, तो उसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इसके अंदर इसी तरीके से सारे के सारे रेट दे रखे हैं। तो देख लेते हैं समीर ने क्या क्या खाया, समीर की फैमिली ने क्या क्या खाया। The family ordered one plate dal fry, one and a half matar paneer, one plate rajma rice, and 10 rotis, 5 puris, one plate raita. हमें निकालना है कि उन्होंने कितना पैसे उन्होंने पे करे। तो इन सब चीजों के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं। आइए देख लेते हैं टेबल कैसे बनाते हैं। So, कुछ इस तरीके से आपको टेबल दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले डाल दिया है डिशेस का नाम, नंबर ऑफ आइटम्स, उन्होंने कितनी आइटम्स मंगवाई और हर एक आइटम का रेट क्या है, और उसके बाद उन्होंने उस आइटम के लिए कितना प्राइस पे करा। तो सबसे पहले उन्होंने एक दाल फ्राई मंगवाई थी, तो उसका रेट हमने उन्होंने फुल प्लेट मंगवाई थी तो 50 रुपीज लिख दिया, तो 1 × 50 50 रुपीज। वन एंड अ हाफ मटर पनीर मंगवाया था, तो एक फुल प्लेट का जो प्राइस हुआ वो 70 और 40 रुपीज हुए आपके हाफ मटर पनीर प्लेट के, तो टोटल हो गया 110 रुपीज। ऐसा मत करिएगा कि 70 + 35 कर दिया, वो गलत हो जाएगा। इसी तरीके से उन्होंने राजमा राइस मंगवाए और रोटी मंगवाई, रोटी इन्होंने 10 मंगवाई थी जो 4 रुपीज की थी, तो 4 × 10 40 रुपीज हो गया। उसी तरीके से पूरी मंगवाई और हमने इन सबको क्या कर दिया, टोटल कर दिया। अगर हम इसको टोटल करेंगे तो उनका जो टोटल बिल बना वो बना 335। तो ये आप इसका फर्स्ट आंसर में लिख देंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बिफोर मेकिंग द पेमेंट ऑन समीर्स रिक्वेस्ट हिज फादर ऑर्डर्ड 10 गुलाब जामुन। अब उन्होंने मीठा भी खाने का मन कर गया उनको, तो 10 गुलाब जामुन उन्होंने ऑर्डर कर दिए। अब वो पूछ रहे हैं कि अब उनको कितना पे करना है, हाउ मच डू दे हैव टू पे नाउ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 10 गुलाब जामुन का प्राइस हम ऐड कर देंगे इसके अंदर और उसका हम टोटल बिल निकाल लेंगे। तो उन्होंने 10 गुलाब जामुन मंगवाए थे, 10 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन 10 रुपीज का था, तो 10 × 10 100 रुपीज हो गया। तो टोटल बिल कितना हो गया, 335 + 100 435। तो मेक श्योर आप स्टेटमेंट जरूर लिखें, दे विल हैव टू पे ₹435। क्वेश्चन नंबर 3, फादर गेव ₹2000 नोट। अब उन्होंने ₹2000 नोट दिया कैशियर को और उन्होंने पूछा है कि उनको वापस पैसे कितने मिलेंगे, हाउ मच मनी दे विल गेट बैक। तो अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, यस सब्ट्रैक्शन। तो कैश पेड इक्वल्स टू ₹2000, बिल अमाउंट कितना था 435, सो मनी ही विल गेट बैक फॉर 2000 − 435। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 1565। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में इस तरीके की वर्कशीट को और सॉल्व करेंगे और बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।